नमस्कार आम शहर को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस ममिता मर्डर घटनारे पुलिस रा तदंत अधिक गहरा मंत्री को फोन रेकर्ड जांच हेले पदा को आसीबो सत हत्या पूर्वरु रायपुर रे होइतिला कंप्रोमाइज डील विफल हेबा परे हत्याकांड होइतिबा अफिचो कानिले वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय महापात्र कलाहांडी सनसाइन स्कूल शिक्षयित्री ममिता मेहर हत्या घटना आज सरुछि मुख्य अभियुक्त गोविंद साहूर रिमांड अवधि जेरा सरिपा परे जेल जीव गोविंद कोर्टे हाजर करने पूर्व राति गोविंदर मेडिकल टेस्ट भुवनेश्वर बिंदु सागर इंजीनियरिंग छात्रों मृतदेह उधार मृतक सामंत्रापुर साई श्री ज्योति प्रकाश गतकाली ट्यूशन जाई घर को फेरी नथिले इंस्टाग्राम पेज रे लिखिछन्ते सुसाइड नोट पारिवारिक कलह एवं करियर को चिंतारे राज्य में बुड़ी जीव कि बस शिल्प दयनीय स्थिति में चली घर बस सेवा एवं 40% बस ग्यारेज और पार्किंग में खाऊ खत चिंतार दिन काटुंट बस मालिक समस्या क्षेत्र में ढेंकानाल स्वयंचलित महाविद्यालय खत खाऊ 4,58,00,000 नवनिर्मित 300 शय्या विशिष्ट छात्रावास उद्घाटन को अढ़े वर्ष बीती जाते भी कार्यक्षम हो पारे नुआ हस्टेल टी20 वर्ल्ड कप आज हाई वोल्टेज मैच मुहांमुही हे पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारत पाकिस्तान दुई वर्ष व्यवधान पर दुई देश मध्य देखा कड़ा टक्कर विराट और बाबर वाहिनी खेलप्रेमी नजर बर्तमान आसत नजर पक प्रदीप माझी किंबा आसिला भलिया परिस्थिति सृष्टि करी पारिबो नाही ताले किपरि भावरे ए अंचल रो समस्या समाधान हबो भारतीय जातीय कांग्रेस एठार उपस्थित थिबा समस्तक पई बहुत किछि करिछि किंतु वर्तमान रो सांप्रतिक परिस्थिति रे भारतीय जातीय कांग्रेस सहित पादरे पाद मिसाई चालिबा प्राय असंभव होइ जाइछि अन्य पक्ष रे विजु जनता दल जिके ओडिशा को दीर्घ दिन हला एक स्थिर शासन देवारे समर्थ हो पारी एवं प्रत्येक निर्वाचन रे तार संख्या वृद्धि करी भारत बर्षर एक विरल इतिहास रचना करिवारे सफल हो पारी ए परिस्थिति रे ए अंचल रो विकास पाई माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक कोरापुट जिल्ला रो किपरि भाव रे विकास हो पारिबो सेति पाई प्रतिश्रुतिबद्ध बंधुगण एभली परिस्थिति रे अभिव्यक्त कोरापुट जिल्ला रो आमे समस्त नेतृवृंद से स्रोतरे सामिल हबार कौटी असुविधा रही जाइछ एणुकर आज मु तो पूर्वर इस्तफा दे सारी सोनिया गांधी को मो पाखरे बसिवा कुलेशिका बाबू जी लखीमपुर लखीमपुर निर्वाचन मंडल रे जोरदार मुकाबला करथिले कांग्रेस प्रार्थी से मध्य इस्तफा दे सारी एवं या पूर्वर कोटपाड़ निर्वाचन मंडल जे पूर्वतन विधायक चंद्रशेखर माझी से मध्य इस्तफा दे सारी एवं लक्ष्मीप्रिया नायक जी कि माथिली ब्लॉक चेयरमैन अछंति से जी कड़ा मुकाबला देथिले एवं लोकंकर सेवा दीर्घ दिन करि आछंति से मध्य आज इस्तफा दउछंति आमर आज अतिथि भाव में बाबुली मंडल जी कि नरलारु विधायक प्रार्थी थे से मध्य पूर्वर इस्तफा दे सारी उपस्थित थिबा जिला परिषद सभ्य पद्मनाभ पांडे और दीर्घ दिन ब्लॉक सभापति से मध्य आज इस्तफा दउछंति एभली मालकानगिरी जिल्लार तुंग नेतृवृंद पड़िया ब्लॉक फारूक बाबू मासूम बाबू जो मैंने कि 30 रु 35 वर्ष धरी एवं पुष्पा राजू बाबू सहधर्मिणी वाइस चेयरमैन एभली बहु तुंग नेतृवृंद
जोन के मालकानगिर जिले रे हमर दीर्घ दिन रो लड़ाई को सफल करि आछिले से माने आज समस्त अटार उपस्थित हिचंती एवं भारतीय जातीय कांग्रेस रो इस्तीफा देउचंती एवं कोटपाड़ निर्वाचन मंडली रो बोरिंगा ब्लॉक रो प्राय समस्त कोटपाड़ ब्लॉक रो 8 गोटी पंचायत रो प्राय समस्त नेतृवृंद एठार आज उपस्थित हिचंती इस्तीफा प्रदान करिया पई सेबळी कुंद्रा बैपारीगुड़ा एवं नवरंगपुर जिलार आज तपन देवनाथ महाशय एठार उपस्थित अच्छा रजनी सासमल महाशय एठार उपस्थित अच्छा तुलसा भत्रा महाशय एठार उपस्थित एभली ना सब सरोज पात्र जी के पूर्वतन साधारण संपादक से एवं राम पटनायक महाशय ना सब पढ़े एठारे आम टाउन कांग्रेस सभापति आम लालू त्रिपाठी एभली बहुत तुंग नेतृवृंद आज इस्तीफा दौरान भारतीय जातीय कांग्रेस मु गोटे युवक भाव में कोरापुट जिलार अभिभक्त कोरापुट जिलार माटीर पुओ भाव मु समस्त अभिभक्त कोरापुट जिलार कांग्रेस नेतृवृंद को अपील करने को चाहे जे समस्ते आसतु ए स्रोतर सामिल हूँ आम अंचल गोटे परिवर्तन आनिया पाई अभिभक्त कोरापुट जिलार अभिभक्त कोरापुट जिला को विकसित करने आम समस्ते एकजुट होकर नवीन पटनायक हाथ मुठा जदि टाण करवा से निश्चित भाव में ए अंचल गोटे पर आमको आहरी साजोग करे एणुक मुझे रखा चाहे जे बहुत शीघ्र आम समस्ते विजु जनता दल में सामिल हबु आम समस्ते विजु जनता दल में सामिल हबु एवं नवीन बाबू हाथ मुठा को टाण करू एवं ए अंचल पर से जो प्रतिश्रुति ये जो अभिभक्त कोरापुट जिला अनुन्नत जिला ये अंचल विकास कार्यक्रम को से जो आगे नौ आहरी गतिशील करने आम समस्त साहय कर अंचल शिक्षा रे जो किसी मात्रा रे गमनागमन रे अंचल जलसेचन रे अंचल मानव संबल विकास रे अंचल स्वास्थ्य स्वास्थ्य अवस्था सुधार पाई ये जो मौलिक समस्या चिराचरित समस्या जो रही जाइछि ता कांग्रेस दल रे रही कि करिबा संभव नुह कारण कांग्रेस दल सरकार को फेरी पारिबो नाही एणुकरी आम ए परिप्रेक्षी आज समस्ते ए मंच रे एवं ए प्राय हजार अधिक संख्यक लोक ए टेंट भितर अछंती समस्ते आज विधिवत भाव रे विजु जनता दल रे आम सामिल हवा पई नवीन पटनायक महाशय को अनुरोध करूछु एवं समस्ते कांग्रेस दल रु इस्तीफा दउछु धन्यवाद नमस्कार बर्तमान अनुरोध करी लक्ष्मीप्रिया नायक बर्तमान अनुरोध करी कुलशिका बाबू को जी कि किसी दिन तले तीन चार दिन तले से सामिल होती विजु जनता दल से दीपद कह गोटे मिनट खाली दी जन ये दी मिनट ओके ओके कह दिखा जो माने कथा गणमाध्यम रखुचंती से माने कांग्रेस दलर संविधान उपरे से मानको धारणा नाही कि अवगति से माने नाहंती कि संविधान पढ़ी नाहंती कि नीति नियम से माने जानी नाहंती राज्यर कार्यकारी सभापति भावरे मु निरवच्छिन्न प्रयास करिछि भारतीय जातीय कांग्रेस रो संगठन को सुदृढ़ करिया पई एवं यथाशक्ति मु लोकंकर सेवा करिछि आपने शुणुले प्रदीप माझी प्रेसमिट रही है जो थी कि निकट में से कांग्रेस छाड़ा कथा से कथा कहवा सहित आगामी दिन में से बीजेडी में मिसवा कथ शासक दल में मिसवा कथ विधिवत भाव में घोषणा करवर्त खबर को ममिता मेहर प्रसंगे बीजेपी नेता विजय महापात्र सांबादिक सम्मेलन मोहाली कलेज ममिता घटना अत्यंत भयंकर घटना एभली भयंकर घटना आगर ओडिशा के पुलिस जो भाव में तदंत नाटक करुच्ची गत 8 दिन हो लगुच डीआईजी और एसपी क्राइम तदंत करूना बर फिल्म सुटिंग करेकर्डिंग तो स्क्रिप्ट को चारिड़ को पठापरी भाव में सन्देह घनीभूत होोविंद को खसाई देवा पुणी उद्यम है पुलिस आगे जदि से सत मानला तेज आज पर्यंत पुलिस जुडिशियाल कन्फेक्शन कहीं कला मंत्रींकर इनवॉल्वमेंट 4 दिन से रही गोविंद बैरक 8 तारिख रु मिसिंग गला
ये घटनाटी प्रकृत में मोर जहाँ खबर जहाँ सरकारी स्तर में खबर आसी पहुँची जहाँ को लुचेक रखुं दुई मस धरी ये घटना चली झील सागर कौन रकम कंप्रोमाइज करार उद्यम हो संपर्क में पुलिस सरकारी स्तर में जन सारी जो मैंने पुलिस विभाग दायित्व ये सब अच्छा आमर महा ऋषि मान सब जन सारी समस्ते जान बर्तमान तो सन्देह केवल मंत्री से जाऊन बड़ बढ़िया सरकारी अफसर मान कि जाऊले ये घटना दुई मास धरी चलना भितर मंत्री दिव्यशंकर मिश्र गोविंद साहू एवं ममिना से प्रिंसिपल चेष्टा कर गोटे कंप्रोमाइज करने रायपुर रायपुर मंत्री एक घर अच्छे ये दुई जन जा मंत्री जाइंस बस शेष मुहूर्त एक समाधान बाट बाहर करने चेष्टा कर विफल हो प्रश्न उठ मंत्री जाइंस कि ना गोविंद साहू जा ना झील जा ना कि तो कहींपर ना जा विजय मिश कौन गोटे मीडिया सब प्रकाशित है जे तार मोबाइल तार डायरी तार ये सब पड़ी है मोबाइल पड़गला कॉल रेकर्ड ही तैयार समस्त कॉल रेकर्ड सांगे सांगे पाइबे से गोविंद सार हो मंत्री हो प्रिंसिपल हो समस्त कॉल रेकर्ड अच्छी कॉल रेकॉर्ड रु स्पष्ट प्रमाणित होई जो घटना कोन होई कलाहांटी सनसाइन स्कूल अध्यक्ष ममिता मेहर हत्या घटना आज सरीप मुख्य अभियुक्त गोविंद साहूर रिमांड अवधि जेरा सरीपा परे जेल जीव गोविंद कोर्टे हाजर करा पूर्वरु पूर्व राति गोविंद मेडिकल टेस्ट करा जाइछे गोविंद मेडिकल टेस्ट करने बलांगीर एसपी कार्यालय गोविंद को बलांगीर भीम भई मेडिकल को निया वर्तमान पर्यंत पुलिस गोविंद एवं अन्य मानंकु सामना सामने जेरा करी किछि तथ्य हासिल करिछे आज गोविंद रिमांड अवधि शेष दिन होता बेले पुलिस शेष दिन में गोविंद ठू आहुरी कौन तथ्य आदाय कर नजर रही गोविंद जेल जीव ना पुणि थे पुलिस आउ थे रिमांड आने को आवेदन करपेक्षा रही आसंका बारघंटिया मयूरभंज जिला बंद डाकरा बीजेपी पक्षर एक बंद डाकरा दीजिए गत 22 तारीख में मुख्यमंत्री बारीपदा गस्त थे बीजेपी युव मोर्चार कार्यकर्ता बीजेडी कार्यकर्ता मरणातक आक्रमण करने और ममिता मेहर हत्याकांड में मंत्री दिव्यशंकर मिश्र संप्रति भटना को नहीं बंद डाकरा देखिए बीजेपी 16 दफा दावी नहीं बंद पालन हो शांतिपूर्ण बंद को सफल कराइबा जिलावासी को निवेदन जिला बीजेपी देखु गत 22-10 रे जो माननीय मुख्यमंत्री विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कार बंटन करने आसी भारतीय जनता पार्टी जो मोर्चा बंधु माने से दिन से जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री गस्त को विरोध करी से कलापता प्रदर्शन करुले से समय जो भाव मैंने भल के जानते जो भाव विजु जनता दल गुंडा माने भारतीय जो मोर्चार कार्यकर्ता मानक जो भाव मारात्मक आक्रमण कले मुख्यतः भाव विरुद्ध ए षड़ नाजी तर गस्त कार्यक्रम एवं ये सब सब जिन आधार कर भारतीय जनता पार्टी मयूरभंज बंद डाकरा देखिए मुहूर्त मयूरभंजवासी को विनम्र अनुरोध करने चाहे आसंता आज 25 तारीख सोमवार दिन जो बंद डाकरा देखिए मयूरभंजवासी समस्ते आमको सहयोग करेंगे बोल कि बंद को सफल करने समस्त को आज विनम्र अनुरोध जनाऊँ कलाहांटी जिला मोहाली स्थित घर स्कूल अध्यक्ष ममिता मेहर हत्याकांड प्रतिपादे ओडिशार चार वामपंथी दल आंदोलन करते ब्रह्मपुर स्थित पुराणा बस स्टाण्रे सीपीआई फॉरवर्ड ब्लॉक पक्षर प्रतिपाद
सह विक्षोभ करा जायछि। ममिता प्रधान ममिता मेहर हत्याकांडर तदंत निरपेक्षता गृहराष्ट्र मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को तुरंत बहिष्कार। ओडिशा उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष तत्वावधान में स्वतंत्र अनुसंधानकारी दल द्वारा तदंत दिव्यशंकर मिश्र को तदंत परिसरभुक्त अपराधी मानू आईन अनुजाई दंड ममिता परिवार को 1 कोटी टंका सहायता दल दाबी रखी। राज्य में आईन श्रृंखला स्थित भुशुड़ी पड़ता बेले गणबलात्कार नारी निर्यातना भली अनेक एभली अत्याचार वृद्धि पाई बोली वामपंथी दलगुड़ पक्ष अभियोग। छोट ब्रेक ब्रेक पर खूब शीघ्र फिर ब्रेक पर स्वागत। टी20 वर्ल्ड कप चलित संस्करण में आज पड़िया मुहांमुही हेबे दुई पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारत पाकिस्तान। दुई वर्षर व्यवधान पर पुणी थरे दुई देश मध्य देखा मिल कड़ा टक्कर। आज संध्या 7:30 समय मैच अनुष्ठित हो पाकिस्तान को भेटा को विराट बाहिनी भेटा को संपूर्ण प्रस्तुत चलता बेले एवं दुई देशर खिलाड़ी प्रदर्शन उपर समस्त नजर रही। टी20 फर्माट में अधिनायक हिसाब से चलित विश्वकप विराट कोहली शेष विश्वकप हो सेपरि चलित विश्वकप दलर मुख्य कोच रवि शास्त्री कार्यकाल शेष हो जहां दुई जोड़ी पाकिस्तान को हरबार सुजोग हाथ छड़ा करें। ते पूर्व रेकर्ड को देखिले भारतर पल्ला भारी रही आसी आज जाए कौन सी विश्वकप पाकिस्तान भारत ठार् जीति पारिना दिनिकिया और टी20 विश्वकप भारत आज पर्यंत मोट 12 जाक मैच रे पाकिस्तान को हरबार रेकर्ड रही। शेष थर लगे भारत पाकिस्तान को 2019 दिनिकिया विश्वकप भेटिता बेले आज पुणी थे भेट होगा जा हमेशा की तरह हाई वोल्टेज मैच है। अभी तक के इतिहास गवाह है कि टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की एक भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हार नहीं हुई और हम पूरी जोश के साथ इंडिया से आए हैं और टीम इंडिया को इस बार अच्छे परफॉर्मेंस है और हम चाहते हैं कि इस बार 2007 की जीत टीम इंडिया करे रिपीट। बहुत ही अच्छी फीलिंग है क्योंकि माही सर स्पेशली टीम इंडिया में है मेंटोर के रूप में और उनका रहना तो समझो कहते हैं ना कैप्टन थे तब भी टीम इंडिया के लिए ICC ट्रॉफी जिताई है। अब मेंटोर के रूप में टीम के साथ है तो टीम को बड़ा फायदा होने वाला है तो मैं बेस्ट विशेस भेजता हूँ टीम इंडिया को स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के मैच में। तो मैं बस यही कहूंगा जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया जीतेगा भारत माता की जय। सेपटे ब्रह्मपुर में आज मैच को नहीं अंक कसा देखा मिली अधिक आलोचना कर प्रतिनिधि विस्मय प्रधान। सर जी फटाफट क्रिकेट महासमर 2021 टी20 वर्ल्ड कप जो थे सुपर 12 पर्यायर गतकाल मुकाबला आरंभ होता बेले आज प्रथम पर्यायर भारत तार पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भेट जेहेतु भारत पाकिस्तान मैच होती क्रिकेट प्रेमी मन में वर्तमान समय उत्कंठा भर रही कहीं जो भाया समय जीत बढ़ुच्च से मन में उत्कंठा बढ़ुच्च कहीं भारत पाकिस्तान मैच आसे समस्त मन उत्कंठा पड़ते तो बर्तमान आम अच्छा गंजाम एक खेल पड़िया अच्छे जो क्रिकेट प्रेमी मन में उत्कंठा रही कहीं भारत पाकिस्तान मैच संध्या समय दुबई तो जेहतु विराट बाहिनी सहित जो आज रही युव खेली मैंने आज ओल्लैबे जेहतु वरुण चक्रवर्ती कथा कह ऋषभ पंत कथा कह ईशान किशन कथा विभिन्न प्रकार युव खेली मैंने रही तो सीधा साल प्रतिकार जो युव प्रतिभा मैंने केमती प्रदर्शन करेंगे ताला कौन कह कि आज गोटे भारत पाकिस्तान मैच अच्छी टी20 वर्ल्ड कप कमी देखु मैच मैच तो भल आकार हम आम तो चाहूँ युवपीढ़ी को आगे जमी आस भल प्लेयार आसवे जमी भल खेल इंडिया मस्ट विन कर देखिए भारत पाकिस्तान मैच अच्छी गोटेपटे विराट बाहिनी युव तारका को मिली चान्स ऋषभ पंत कह ईशान किशन कथ कह वरुण चक्रवर्ती कमी देखु पाकिस्तान विरुद्ध कमी आम तो समस्त इच्छा अच्छे आम भारत जितने जमी हेल्ले भी आ समस्त प्लेयर भल खेल बोले आम आशा होती बहुत भल परफर्मस कर दे बहुत आल आ देखिए अभिज्ञ खेली रही अश्विन रही रविचंद्रन अश्विन वरुण चक्रवर्ती अश्विन को आज 11 स्थान मिले आशा रखें जदि मैंने दुबई पिच्टे तो स्पिनर भी चाहू मैंने भल खेल बोले आशा रखु जदि चान्स मिले भल खेली पारे अश्विन भी छिड़ा बहुत इच्छा हो अश्विन जब भल परफर्मस जदि मैंने खेल भल परफर्मस दे पारे भारत में बहुत ये तेणुक आम आशा रखु अश्विन खेल भल हो पारे देखा देखिए जो रही अभ्यास मैच देखिए अभ्यास मैच रोहित शर्मा कथ कह ईशान किशन कथ कह रोहित शर्मा भल प्रदर्शन करते ईशान किशन भल प्रदर्शन करते दिजन जाक भितर का चान्स मिले आशा रखें नहीं रोहित शर्मा जेहतु एक्सपीरियंस प्लेयर चान्स मिले भाबुची भल हम जहाँ जेहतु बहुत वनडे आउ टी20 बहुत एक्सपीरियंस अच्छी
ଭଲ ଖେଳିପାରିବେ, ସେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକି ନେଇ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ନିହାତି ଦେଖିବା, ଯଦି ବିଗତ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଟେ କାମ ଦେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଟର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଧୋନି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ ଏ ମେଣ୍ଟର, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ମେଣ୍ଟର ହିସାବରେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ବି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଭାବୁଛି, ଆଶା କରିଛି ସେ ଦେଖାଇବ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ଅଶ୍ୱିନ ବି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି 2017 ପରଠୁ, ସେ ଆସିନଥିଲେ 2017 ପରେ, ସେ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍କୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ବି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ରହିବ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ମନରେ ଆଜି T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍? ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ୱିନ୍ ଓନ୍ଲି ଦିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସାହ ଭରିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହେବ। ଯେହେତୁ ଧୋନି ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଖେଳି ମେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକପ୍ କଥା ଦେଖିବା, ଯଦି ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି, କେତେ ବି ପରାଜୟ ଦେଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ, ଯେହେତୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ, ତେବେ ଆଜି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତି ଆସୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଏକମୁହ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିବା ଅମ୍ରିତଙ୍କର ହେବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ, ଏନେଇ ଅର୍ଗସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତଙ୍କ ଭଉଣୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏକମୁହ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୁବକ ଅମ୍ରିତ। ଜୁନ୍ 3 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଅମ୍ରିତ ଏକମୁହ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ। ଅମ୍ରିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଅମ୍ରିତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ନ ଆସିବାରୁ ଶେଷରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତଙ୍କ ଭଉଣୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ହେଲେ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ 4 ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହୃଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ସ୍ନାୟୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନଥିବାରୁ ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଏଥିଲାଗି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମିଟି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ସେଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ଆଇସିୟୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାକୁ କମିଟି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଆଉ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଏବଂ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ, ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଠି ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 4th ପିଲା ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ହାଉସମେନ୍ସିପ୍ ହେବ, ତାପରେ PG ହେବ, PG ପରେ DM ଆସିବ। DM ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଏବଂ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକି ବାହାରନ୍ତି। ତ ଶହୀଦ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଶହୀଦ ଭଗବତୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ବକ୍ତାମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଷ୍ଟାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶହୀଦ ଭଗବତୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ଯଦି ଅଗ୍ରଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଭଗବତୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ କେବଳ ଶିକାରୀ ଗଳ୍ପ, ଯେଉଁ ଶିକାର ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ପରିଚୟ ଭିତରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଭଗବତୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏଠି ସମାଜବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିକଶିତ କରାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ, ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ନାମରେ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରି
ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଧାରା ଥିଲା ସେ ଧାରାକୁ କାଟି ଏକ ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥୋଇଥିଲେ। ସବୁ ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍ କହିଛି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।